हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज भाई स्कूल आए हैं हम, और देखो गाइस स्कूल में बड़ी बारिश हो रही है। भाई बच्चे देखो कैसे निकल रहे हैं साइड साइड से। इस बच्चे को बड़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, देखो कैसे ये उछल उछल के आ रहा है। और मुझे भी बड़ी मुश्किल हो रही है गाइस। देखो भाई क्लास के अंदर इतना ज़्यादा पानी भर चुका है। ओए उठा नहीं हुई है यारा। पानी पानी हो गया। और ये देखो भाई, ओए यार फोन ने करने आऊं नहीं गिरी। हां तो भाई त्रास देखो भाई, राम करने आ राम करने। तो गाइस ये स्कूल का हाल, पानी पानी हो गया, दीवार में गिल्ला गिल्ला हो गया, कुत्ते कुत्ते भाग रहे हैं। तो मोटरसाइकिल भी उठाई गया है। अरे बाइक दिखा, बाइक बाइक दिखा, बाइक उठी हुई यहाँ सर की। ये देखिए पानी का हाल, पूरा तालाब नहीं गया था थे। करे यार क्या होने। तो गाइस आज का ब्लॉग देखा, मैंने स्कूल में स्टार्ट कर दिया क्योंकि बारिश बड़ी तेज़ हो रही है ना। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि आज जल्दी छुट्टी होगी। बारिश बड़ी तेज़ थी, स्कूल में काम लगा हुआ ना छत पे, तो सारा पानी क्लास के अंदर आ गया, इतना पानी भर गया था गाइस। तो गाइस ये हमारी क्लास है जहाँ पर बारिश से देखो गाइस कितना पानी भर गया था भाई, इतना पानी देखो बंदा डूब रहा है। तो जल्दी छुट्टी होगी, अब घर दुकान चलते हैं फिर घर। गाइस बारिश वाले दिन के बाद गाइस आज मैं अपना ब्लॉग फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद, दो तीन दिन के बाद। तो गाइस उस दिन तो स्कूल में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, पता नहीं कहाँ से, छत पे काम लगा हुआ है ना इसलिए सारा पानी आ जाता है, मैं नीचे आ गया था। तो गाइस आज भी मौसम काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हो रहा है, आज भी बारिश पड़ने वाली है। तो उस दिन ब्लॉग स्टार्ट किया था, आज भी बारिश है, आ सकती है शायद से। तो आज भी मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये हमारी क्लास है गाइस जहाँ पर देखो पानी से बाढ़ आई हुई थी कितनी ज़्यादा, और ये दीवारें देखो भाई यहाँ से कितना पानी आ रहा था ना, कोई हिसाब ही नहीं है गाइस। ये स्कूल गांधीनगर के मेन एरिया में है और ये इसकी हालत देखो कितनी गंदी है। ये फ्लोर देखो भाई कितना, यहाँ पर पानी पानी भर गया था उस दिन, पूरी क्लास भर गई थी पानी से। तो गाइस फाइनली ट्यूशन पढ़ के भी आ गए गाइस। आज मैं पहली बार ट्रायल देने के लिए गया था ट्यूशन में, तो भाई बड़ा दिमाग ख़राब हो गया भाई, से दर्द हो रही है। अब घर जा रहा हूँ मैं भाई, अभी दुकान चलते हैं फिर से घर। में इतने सारे बच्चे छड़ा रोला माए से पीड़ ही। तो गाइस मैं स्कूल से आके यहाँ पर सो के उठ भी गया हूँ, अभी गाइस टाइम हो रहा है, तो अभी टाइम हो रहा है गाइस बज के हैं 8। जा रहा हूँ दूध लेने, दही लेने, टमाटर लेने। तो गाइस चलते हैं, नींद लग रही है पर चलते हैं फिर भी। तो गाइस ये देखो मॉडिफाई की मैंने सामान लेके आ गया हूँ भाई, धेरा बहुत तो ये भी ना। और तो यहाँ पर देखो लाइट लगाई हुई है, तगड़ी लग रही है गाइस, एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया है ना। मॉडिफाई खुद की है, मेरे भाई ने किया है, खुद लगाई हुई है। मान लो कुछ छोटे मोटे स्कूटी ये काम वो खुद कर लेता है, तो काफ़ी बढ़िया लग रही है ये। तो गाइस सामान तो लेके आ गए, पर गाइस मैं आपको ये बताता हूँ भाई कि सामान आया कितने का है। तो गाइस यहाँ पर देखो, जिसको नहीं पता, दूध टमाटर आते हैं भाई आज 60 रुपये किलो 22 तारीख को। तो भाई इनका वगैरह की नशा बहुत महंगी जा रही है। यहाँ पर दही जा रहा है 60 रुपये किलो, इसका भी कोई हिसाब ही नहीं है, आधा किलो लाया मैंने। यहाँ पर दूध वही भी 60 जा रहा है पर, तो गाइस ये भी 60 जा रहा है पर मुझे 50 रुपये का मिला। तो गाइस इकोनॉमी में बोलते हैं भाई इसमें इतनी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे बहुत फ़र्क पड़ा भाई, इसमें बहुत पैसे बच जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये देखो ऐसे 3 आ जाते और पैसे बचते। तो गाइस बताओ यहाँ पर इकोनॉमी कहाँ पर यूज़ हो रही है, मुझे आज उसी का टॉपिक पढ़ के आया हूँ मैं, बताए। तो गाइस बताओ यार, इकोनॉमिक से बोलते हैं यहाँ पर इन इलास्टिक, पता नहीं क्या था इलास्टिक, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पर मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है यार। भाई ऐसा बोले ना होता है यार, 10-10 रुपये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो गाइस जिसने इसको ट्राई नहीं किया ना, बढ़िया होता है ये 10 रुपये का, और उसके अंदर वाइट वाली वो चीज़ होती है, मस्त हो रहा है गाइस। तो गाइस जो खाने में ट्राई करना चाहता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, खा सकते हैं। अपने ब्लॉग में देखा कि गाइस स्कूल में सिर्फ पानी पानी भर गया था, बहुत ज़्यादा पानी हो गया था बाहर ग्राउंड के अंदर, स्कूल के अंदर इतना पानी आ रहा था गाइस। तो भाई उसके बाद तीन दिनों के बाद मैंने फिर से ब्लॉग को कंटिन्यू किया, उस दिन भी बारिश पड़ी। तो गाइस
आज अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।